अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ बटर चिकन की रेसिपी को शेयर करने लगी हूँ, तो चले आए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बटर चिकन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है और उसके मैंने बाइट साइज जो है, छोटे स्मॉल पीसेस जो हैं वो कर लिए हैं। साथ में मैं ले रही हूँ इसमें शामिल करने के लिए 2 टीस्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट है। उसके साथ जो है 2 बड़े प्याज लेके मैंने इसको चॉप कर लिया है। साथ में मैं शामिल कर रही हूँ 1/2 कप जितने कैश्यूज हैं। ये जो है ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ ना करना चाहें तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। मैंने ले लिए हैं यहाँ पे जो है मीडियम साइज़ के 6 टमाटर लेके, उनको भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। और साथ में मैंने 1 टी स्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे क्रीम, जो कि मैंने एक इस तरह ये वाला टिन ले लिया है। और उसके साथ हम शामिल करेंगे 1 कप मक्खन। आप अपनी पसंद का किसी भी ब्रांड का अनसॉल्टेड बटर जो है वो ले लें। और साथ में हम शामिल करेंगे इसमें जो है 2 टीस्पून जो है लेमन जूस के हैं, 1 टीस्पून जो है गरम मसाला है, 1 टेबलस्पून मैं दही के इस्तेमाल कर रही हूँ। और साथ में ही मैंने जो है 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ली है। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते तो उसको भी आप स्किप कर सकते हैं। बटर चिकन जो है, मैं वो शान का बटर चिकन मसाला जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन मैं इसकी बताई हुई रेसिपी के हिसाब से नहीं बना रही। इसमें मैंने कुछ अपनी चीज़ें, अपने मसाले ऐड करके और इसको मैं बना रही हूँ। तो इसको जो है आगे अब क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। आप सबसे पहले हम अपने चिकन को जो है मैरिनेट कर लेते हैं। मैं चिकन डाल लिया है। और इसमें जो है मैं डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ में इसमें शामिल कर देंगे हम लेमन जूस, और साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूंगी दही। और इसमें हम जो है शामिल कर लेंगे शान का चिकन मखनी मसाला। मैं 1/2 इसमें शामिल करूंगी और 1/2 जो है मैं अपनी ग्रेवी में डालूंगी। तो ये मैं तो 1/2 मसाला जो है मैं इसमें शामिल कर देती हूँ और 1/2 इसमें से मैंने रख ली है वो मैं ग्रेवी में डालूंगी। तो इसको डाल के हम अच्छा सा इसको मिक्स कर लेते हैं, अच्छा सा इसको मैरिनेट करके, और 1 से 2 घंटे के लिए जो है इसको आप रख दें। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिला लें और इसको जो है 1-2 घंटे के लिए आप मैरिनेट करके रख दें, तो और ज़्यादा अच्छा जो है गर्म बोटियों में अच्छा मसाला रच बस जाएगा। तो अब इसको हम रख देते हैं और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि हमें क्या करना होगा। अब हम अपनी ग्रेवी बना लेते हैं। तो मैंने एक पतीला जो है वो रख लिया है चूल्हे पे, और इसमें हम जो है बटर शामिल कर देते हैं। इसमें मैंने 3 टेबलस्पून शामिल कर लिए हैं बटर के, और साथ में थोड़ा सा ऑयल शामिल करूंगी कि हमारा बटर जो है वो जल ना जाए। इसमें बिल्कुल 1 टीस्पून जितना मैंने शामिल किया है ऑयल। अब इसको थोड़ा सा जो है बटर मेल्ट हो जाता है तो फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा मक्खन जो है बिल्कुल मेल्ट हो गया, तो इसमें हम ये प्याज शामिल कर लेते हैं और इसको जो है इसमें पका लेते हैं। इसको हमने ब्राउन, लाइट ब्राउन कुछ नहीं करना, बस इसको सॉटे करना है। और जब हमारे प्याज थोड़े से सॉफ्ट से हो जाएंगे तो फिर हम इसमें जो है कैश्यू को शामिल करके इसको मज़ीद पकाएंगे। तो अब इसको जो है मैं मीडियम टू लो हीट पे जो रख के इसको जो है मैं पका रही हूँ उस वक्त तक जब तक ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, तो फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज जो है थोड़े से सॉफ्ट हो गए, तो अब इसमें हम जो है ये काजू को शामिल करके और इसको अच्छा सा भून लेते हैं। मैंने काजू शामिल कर दिए हैं और अब मैं इसको अच्छा से भून रही हूँ। इसको उस वक्त तक हम भून लेंगे कि हमारे काजू जो है लाइट ब्राउन से हो जाए।
और हमारा प्याज भी जो है बिल्कुल हल्का गुलाबी गुलाबी हो जाएगा। इसको उस वक्त तक हमने पकाना है, तो मैं फिर आपको आगे दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मुझे इसको पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। कैश्यूज भी हमारे लाइट गोल्डन ब्राउन से हो गए हैं, प्याज भी हमारा बन गया है। तो अब हम इसमें शामिल कर देते हैं लहसुन और अदरक 1 टीस्पून जो मैंने लिया था उसको मैंने शामिल कर दिया है। और आपने इस वक्त तक बस इसको बनाना है कि इसकी जो एक कच्ची सी खुशबू सी होती है वो चली जाए और इसकी प्यारी प्यारी भीनी भीनी खुशबू आने लग जाए। तो इसको 1 से 2 मिनट तक हम इसको ऐसे भून के पका लेते हैं। और इसको 1 मिनट बनाने के बाद कि हमारा लहसुन और अदरक की जो है स्मेल निकल जाए, तो हम इसमें शामिल कर देते हैं ये तमाम टमाटर। और इसके साथ जो मैंने हाफ मसाला बचा लिया था वो भी मैं इसमें अब शामिल कर दूंगी। हाफ मसाला मैंने रखा था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसको अच्छा सा थोड़ा सा भून लेते हैं। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देती हूँ, तकरीबन 3-4 घूंट जितना पानी कह लें आप, या 4-5 टेबल स्पून जितना पानी मैंने शामिल कर दिया है। और इसको मैं ढक देती हूँ और ढक के इसको तकरीबन मैं 5-6 मिनट तक पका लूँगी कि हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और फिर मैं इसके बाद आपको आगे दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है। तो अब हम इसको ढक देते हैं और ढक के इसको तकरीबन मैं 5 से 6 मिनट तक इसको बना लेती हूँ। और आंच जो है मैंने चूल्हे की बिल्कुल मीडियम रखी हुई है। तो उसके बाद फिर आगे क्या करना है मैं आपको दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारे टमाटर सारे बेहतरीन से जो है बिल्कुल गल गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम अपने मसाले को 1 से 2 मिनट तक अच्छा सा भून लेंगे। और उसके बाद मैं इसको एक ब्लेंडर में डाल के इसकी बिल्कुल फाइन जो है वो पेस्ट जो है वो बना लूँगी। और फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि हमें क्या करना है। तो अभी हम इसको 1 से 2 मिनट तक भून लेते हैं और भूनने के बाद मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। आप इसको चॉपर में मत डालिएगा, इसको ब्लेंडर में डालिएगा, क्योंकि हमने इसकी प्यूरी सी बनानी है। तो उसके ब्लेंडर में डालने से ये बिल्कुल फाइन जो है इसका बारीक पेस्ट बन जाएगा। तो फिर जो है, क्योंकि अगर आप चॉपर में डालेंगे तो कुछ चीज़ें आपकी साबुत साबुत रहेंगी, तो वो चीज़ हमें नहीं चाहिए। हमें बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म चाहिए, प्यूरी टाइप। तो इसलिए इसको ब्लेंडर में डाल के ही ब्लेंड कीजिएगा। तो मैं अब आपको आगे दिखाती हूँ फिर हमें क्या करना होगा। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छा सा ब्लेंड कर लिया है। और अब इसको जो है मैं स्टेनर की मदद से इसको स्टेन कर लेते हैं जो हमारा मिक्सचर है। इसको स्टेन करके निकाल लेती हूँ। इससे जो है हमारा जो ग्रेवी है वो बहुत लिक्विडी सी और बड़ी अच्छी सा उसका वो बनेगा टेक्सचर, जैसे आप बिल्कुल रेस्टोरेंट में खाते हैं सेम आपको वही टेस्ट आएगा। तो इस तरह करके मैं सारा अपनी इसको स्टेन कर लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम जो अपना मसाला था उसको मैंने अच्छा सा स्टेन कर लिया है। और ये हमारे बीज और टमाटर के छिलके जो है इतना सा वेस्ट जो है हमारा बच गया है। और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड करके उसको जो, अगर आपका थिक लगे और आपको लगे कि स्टेन नहीं हो रहा तो हम उसको वापस जो है अपने ब्लेंडर में डाल के पानी डाल के मिक्सी उसको चला के और फिर आप स्टेन कर सकते हैं। तो ये जितने भी हमारे टमाटर के छिलके और बीज और चीज़ें थी एक्स्ट्रा, वो सारी हमारी इधर निकल आई हैं और हमारे पास बिल्कुल एक स्मूथ सी देखें टेक्सचर जो है हमें मिल गया। जैसे कि आप रेस्टोरेंट में बटर चिकन खाते हैं सेम उसी तरह का सिल्की सा जो है मिल गया। तो अब जो है इसमें जो है अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमें क्या करना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये ग्रेवी आ गई है। अब हम जो है इसमें शामिल कर देते हैं मक्खन को जो हमारे पास था। 1 कप मैंने अब इसमें मक्खन ऐड कर लिया है और इसको जो हम इसमें पकाते हैं। और साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ, आपको मैं बताना भूल गई थी कि टमाटो सॉस लिया है मैंने। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो बेशक ना करें, मगर इससे जो है हमारी चिकन मखनी की बड़ी ही प्यारी सी शक्ल आ जाती है, दिखने में बहुत अच्छी लगती है। तो ये तकरीबन मैं
3 टेबलस्पून जो है इसके इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको हम जो है अच्छा सा मिला लेते हैं। आप चाहें तो फुल टिन भी आप डाल सकते हैं कि एक टिन जो है इसमें ऐड कर दें पूरा, वो आपकी अपनी चॉइस पे है। तो इसको अब हम थोड़ा सा पका लेते हैं और जब ये पक जाता है तो फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारी ग्रेवी पकने लगी है। इसमें मैं कसूरी मेथी को भी शामिल कर देती हूँ। इसको हम पकने देते हैं थोड़ी देर के लिए। इसमें मैंने कसूरी मेथी शामिल कर दी है। अब हम इसको पकाएंगे मज़ीद जो है तकरीबन 10 मिनट तक, जब तक ये तैयार हो रही है हमारी ग्रेवी, साथ ही हम चिकन को भी रेडी कर लेते हैं। तो अब हम चिकन को भी रेडी कर लेते हैं तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि उसके साथ क्या करना है। अब मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें हम तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून जितना जो है 3 टेबलस्पून जितना मैंने ऑयल ले लिया है, उसमें जो है हम अपना मैरिनेटेड चिकन डाल के और उसको जो है हम फुल कुक कर लेंगे। ये हम चिकन शामिल कर देते हैं और उसको अच्छा सा मैं कुक कर लेती हूँ। इसको हमने बिल्कुल फुल कुक पका लेना है अच्छी तरह। इसमें शामिल कर दिए मैंने और इसको अब जो है हम पका लेते हैं अच्छे से और फिर मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन जो है अच्छा सा कुक हो गया है और तमाम ऑयल जो है इसमें से सेपरेट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि अपनी ग्रेवी में इस चिकन को शामिल कर लेते हैं। ये हमारी ग्रेवी है, इसमें हम चिकन को शामिल कर लेते हैं और इसको मैं ढक के तकरीबन जो है 10 मिनट तक इसको दम पे छोड़ दूंगी, हल्की आंच पे जो है इसको पकने दूंगी 10 मिनट तक। 10 से 15 मिनट लगा लें आप कि 10 से 15 मिनट तक जो है इसको हम जो है पका लेते हैं ताकि हमारे जो चिकन में ग्रेवी का मसाला भी अच्छा सा रच बस जाए और जो है चिकन भी अगर कोई कसर रह गई है तो वो भी जो है अच्छे से पूरी हो जाए। तो अब हमने ये तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लिया है। अब इसमें जो है मैं गरम मसाला भी शामिल कर देती हूँ। इसमें मैंने गरम मसाला शामिल कर लिया है। अब इसको जो है मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको मैं ढक के पकाऊंगी बिल्कुल लो से, थोड़ी सी हीट को हाई रख के इसको हम पका लेंगे 15 मिनट के लिए और उसके बाद फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है। अब आप देख सकते हैं कि मुझे 15 मिनट हो गए हैं। मैंने 15 मिनट इसको ढक के पका लिया था और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा हमारा जो है बटर चिकन का तैयार हो गया हुआ है। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है, खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त क्लासिक किस्म की आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इसमें जो है हम शामिल कर देंगे क्रीम, जो टिन पे मैंने आपको दिखाया था क्रीम का, वो अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ इस टाइम पे। और अगर आपके पास थिक क्रीम है तो आप उसमें थोड़े से 2-3 टेबलस्पून जितना मिल्क मिला के उसको जो है लिक्विडी कर लें। तो इसमें हम जो है क्रीम को शामिल कर देते हैं और थोड़ी सी क्रीम जो है मैं बचा लेती हूँ गार्निशिंग के लिए और इसको हम अच्छा सा मिला लेते हैं। इसको अच्छा सा मिलाने के बाद जो है अब मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ कि हमारे मज़ेदार जो है चिकन मखनी बनके तैयार है। तो यह हमारा अच्छी सी क्रीम अब मिक्स हो गई है। अब इसको सिर्फ मैं 1 मिनट का दम लगा लेती हूँ फॉर 1 मिनट और उसके बाद जो है मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि हमारी मज़ेदार चिकन मखनी बनके तैयार है। इसको आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। और मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।